वॉर के सीक्वल में क्या ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ काम करेंगे? ऋतिक रोशन का वीडियो देखकर रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं? वॉर के हिट होने के 5 रीजन क्या हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, वॉर के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म का सीक्वेंस बनाने की तैयारी कर ली है और इस फिल्म में भी टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन आमने सामने नजर आएंगे। एक इंटरव्यू के दौरान सिद्धार्थ आनंद ने कहा, वॉर पार्ट 2 की संभावना है। वहीं इस बात पर टाइगर श्रॉफ का कहना है, हम इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि फिल्म दर्शकों को कितनी पसंद आती है, लेकिन बात अगर पार्ट 2 की है तो इसकी पूरी पूरी संभावना है। टाइगर और सिद्धार्थ आनंद के अलावा खुद ऋतिक रोशन ने भी इस बात पर हामी भरी। वॉर को रिलीज हुए 7 दिन हुए थे और अपने 7वें दिन ही इस फिल्म ने डबल सेंचुरी मार दी, माने 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। और अब तो ये फिल्म 300 करोड़ क्लब में एंट्री ले चुकी है। क्यों फिल्म ने मचाई धूम, क्यों की गई इतनी ज्यादा पसंद, तो इसके पीछे है 5 रीजन। पहला रीजन है बेमिसाल जोड़ी। आदित्य चोपड़ा ने आधी बाजी तो तभी मार ली थी जब उन्होंने ऋतिक और टाइगर की जोड़ी को साइन कर लिया था। एक्शन और डांस में दोनों ही माहिर हैं, बॉलीवुड के हैंडसम हीरो भी हैं, दोनों की जबरदस्त फैन फॉलोइंग भी है। एक ही टिकट में दोनों को साथ में देखने के रोमांच में दर्शक अपने आप को रोक नहीं पाए और सीधे सिनेमा घर में दौड़ लगा दी। इस जोड़ी के कारण फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग मिली और बाकी का काम भी आसान हो गया। रीजन नंबर 2 है एक्शन, एक्शन और एक्शन। ट्रेलर में एक्शन सीन देखकर ही मजा आ गया था, तो फिल्म देखने में तो आना ही था। फिल्म में एक्शन सीन्स बेहद लाजवाब हैं, जो दर्शकों को सीट पर चिपकाए रहते हैं। टाइगर श्रॉफ का एंट्री सीन तो कमाल का है। कार और बाइक के द्वारा पीछा करने वाले स्टंट्स में रोमांच ऊंचाइयों को छूता है। थोड़ी थोड़ी देर में लगातार एक्शन सीन आते रहते हैं और दर्शकों को रोमांचित करते रहते हैं। तीसरा रीजन है नाम। जी हाँ, फिल्म का टाइटल फिल्म के कंटेंट को बिल्कुल सूट करता है। नाम देखकर ही दर्शकों ने अंदाजा लगा लिया कि किस तरह की फिल्म उनको देखने को मिलने वाली है, और ये नाम भी दर्शकों को खींचने में काफी कामयाब रहा। रीजन नंबर 4 है तेज गति से भागती फिल्म। इस बात में कोई शक नहीं है कि फिल्म में कई खामियां भी हैं। कहानी का साथ छूटता रहता है, लेकिन फिल्म की स्पीड इतनी तेज रहती है कि दर्शकों को कुछ सोचने को ही नहीं मिलता और खामियों पर ध्यान भी नहीं जाता। इस कारण खामियां भी छुप जाती हैं। रीजन नंबर 5 है जोरदार पहला हाफ। जी हाँ, दूसरे हाफ के मुकाबले फिल्म का पहला हाफ बेहद बेहतर है। आम दर्शकों को फिल्म के पहले हाफ में ही इतना मजा आ जाता है कि वो कमजोर दूसरा हाफ भी पचा लेते हैं। वहीं फिल्म में ऋतिक के स्टंट और लुक को काफी ज्यादा पसंद किया गया है, लेकिन अपने लुक और बॉडी पर ऋतिक रोशन ने कितनी मेहनत की है, इसका एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो शेयर किया। इस वीडियो को उन्होंने कैप्शन भी दिया है, कबीर का दूसरा साइड पर्दे के पीछे। ऋतिक रोशन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। उनकी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन फिल्म सुपर 30 के बाद सितंबर 2018 में शुरू हुआ, और वीडियो में ऋतिक कह रहे हैं, दुनिया में सबको लगता है कि मेरे पास बेस्ट बॉडी है, लेकिन मुझे इस सब से दोबारा फेस करना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन सबसे मुश्किल काम है जिससे मुझे गुजरना था, और इकलौता इंसान जिसे मुझे दोष देना था वो मैं खुद था। वीडियो में डॉक्टर्स उनकी बॉडी के स्लिप डिस्क इश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये दिक्कत उनकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने में आड़े आ रही है। वीडियो में ऋतिक कह रहे हैं कि उन्हें अपनी बॉडी को लेकर थोड़ी उम्मीद है और थोड़ा डर भी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन उस सब से उभरते हुए उन्होंने एक साल से भी कम टाइम में वॉर फिल्म के पावर पैक एक्शन के लिए बॉडी बना ली, जिनकी लोगों ने खूब ज़्यादा तारीफ की है। ऋतिक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। बॉडी बनाने के उनके प्रयासों को न सिर्फ फैंस बल्कि वरुण धवन, डायना पेंटी, मनीष पॉल जैसे एक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा सराह रहे हैं। वार के सिक्वल में ऋतिक रोशन के अपोजिट किस हीरो को कास्ट किया जाएगा? सिद्धार्थ आनंद के साथ ऋतिक रोशन क्या एक और धमाका करने जा रहे हैं? लड़कियों को किस प्रकार की बॉडी पसंद है?
वार के सिक्वल की कहानी क्या होगी। सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फिल्म वार तो आपने देखी ही होगी। इस फिल्म ने रिलीज होकर काफी बड़ा धमाका किया था, लेकिन इस फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हाल ही में सिद्धार्थ आनंद ने इस बात को लेकर बयान दिया था और कहा है कि वो जल्द ही एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ नजर आने वाले हैं और इसके लीड रोल में ऋतिक रोशन दिखेंगे। इस बयान के बाद वो काफी चर्चा में थे कि अब ऋतिक रोशन ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और इस पोस्ट में रेगिस्तान में खड़े हैं और उन्होंने लिखा है, डर रहे हो क्या, मतलब कुछ बड़ा कर रहे हो। ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि कुछ लोग इसको एक एड फिल्म बता रहे हैं। सिद्धार्थ आनंद सबसे पहले बैंग बैंग फिल्म से चर्चा में आए। सुपरस्टार ऋतिक रोशन इस समय फिल्म क्रिस 4 को लेकर चर्चा में और फैंस उनको जल्द ही इस अवतार में देखने के लिए उत्सुक है। लेकिन इस समय एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर आप निश्चित ही हंसने लगेंगे। ऋतिक रोशन ने एक तस्वीर पोस्ट करते हुए रणवीर सिंह का मजाक उड़ाया है। कपड़ों की बात करें तो सबसे अतरंगी कपड़े रणवीर सिंह ही पहनते हैं और इस समय कुछ ऐसा ही ऋतिक रोशन ने ट्राई किया। ऋतिक रोशन ने एक तस्वीर साझा की है जिसमें वो थोड़े अतरंगी कपड़ों में नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, ये फैशन शायद रणवीर सिंह से प्रभावित है। ऋतिक रोशन का यह मजाकिया अंदाज काफी पसंद किया जा रहा है। इस तस्वीर में एक और चीज नजर आ रही जिसको आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं और वो है ऋतिक रोशन की चोट। जी हाँ, ऋतिक रोशन ने पैर पर पट्टी बांधी हुई। प्रभास या ऋतिक रोशन में से किसके साथ नजर आएंगी दीपिका, इसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। एक तरफ बात हो रही है कि दीपिका क्रिस 4 में नजर आएंगी और दूसरी तरफ बात हो रही है कि दीपिका प्रभास की सुपर हीरो वाली फिल्म भी करेंगी। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आइए बात करते हैं कि लड़कियों को किस प्रकार की बॉडी पसंद है। बॉलीवुड में बॉडी का क्रेज भी क्या खूब चला। हर एक्टर अपनी बॉडी को खूब बनाना चाहता है। ये बात तो सच है कि अच्छी बॉडी का मतलब है अच्छी फिल्म की कमाई और खूब सारी वाहवाही। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन बॉडी। इनके बॉलीवुड सिक्स पैक एक्टर पर लड़कियां मरती हैं। सबसे नंबर वन पर आते हैं आमिर खान, यानी आमिर खान को सबसे शांत और आकर्षक बॉलीवुड सिक्स पैक एक्टर बोला जाता है। बिना किसी दिखावे और ईगो के वो सिर्फ अपनी फिल्म पर काम करते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं अजय देवगन। जब अपने पर आ जाते हैं तो इनकी बॉडी देखने लायक होती है। सिंघम में इनके सिक्स पैक एब्स नजर आए थे। तीसरे नंबर पर आते हैं संजू भाई। अभी भी संजू भाई का जलवा बरकरार है। संजू भाई ने तो जेल में ही अपनी ऐसी बॉडी बना ली थी। वैसे बॉलीवुड में आज भी संजय दत्त जैसी बॉडी वाला एक्टर नहीं। और चौथे नंबर पे आते हैं हमारे सल्लू भाई। सलमान खान को लड़कियां पसंद ही उनके सिक्स पैक एब्स के कारण करती। और पांचवे नंबर पे आते हैं किंग खान। खानों में खान शाहरुख खान के सिक्स पैक एब्स कोई कैसे भूल सकता है। एक तरह से बॉलीवुड में फिर से एब्स का क्रेज इन्होंने ही शुरू किया। सबकी बात की जाए और जॉन अब्राहम का नाम इस लिस्ट में ना आए तो मजा ही नहीं आएगा। बेशक वरुण चेहरे से शरीफ लगते हैं, लेकिन बॉडी तो इनकी भी अच्छी खासी है। गुंडे से उम्मीद ना करना कि उसके सिक्स पैक एब्स नहीं होंगे, ये उस गुंडे के साथ नाइंसाफी होगी, यानी कि रणबीर सिंह। सोनू सूद भी अपनी बॉडी से लड़कियों को दीवाना बना चुके हैं। टाइगर को पहली नजर में देखते ही सब पहचान गए थे कि ये एक्टर तो सिक्स पैक एब्स के लिए ही बना है। फरहान अख्तर में तो वाकई दम है और इतनी मेहनत तो शायद ही कोई अन एक्टर करता होगा। सब इमरान हाशमी को बस किसर बोलते हैं, लेकिन बॉडी तो इन्होंने भी क्या खूब बनाई। अर्जुन कपूर ने भी क्या सिक्स पैक एब्स बनाए हैं। इनकी मेहनत पर तो लड़कियां पागल है। ये भाई साहब तो सलमान खान की भाभी को भी ले उड़े। और अगर बॉडी की बात हो रही हो तो ऋतिक रोशन की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऋतिक रोशन के डांस और इनकी बॉडी पर तो लड़कियां दीवानी हैं। हालांकि आजकल थोड़ा सा ढीला पड़े हैं। खिलाड़ियों के खिलाड़ी के ऊपर तो लड़कियां मरती हैं। अक्षय कुमार बॉलीवुड के सदाबहार हीरो हैं। इसीलिए तो इस खिलाड़ी ने राजेश खन्ना की बेटी के साथ ऐसे खेल खेला कि वो शादी के बंधन में बंध गई। तो ये थे बॉलीवुड सिक्स पैक एक्टर। भला आप ही बताओ कि इतनी शानदार बॉडी पर लड़कियां क्यों फिदा नहीं होंगी। तो अब क्या हर लड़के को ऐसे बॉडी बनानी होगी तभी लड़कियां आपको प्यार करेंगी? इस प्रश्न का जवाब आप हमें जरूर देंगे। वॉर 2 को कौन डायरेक्ट करने वाला है? वॉर 2 में टाइगर श्रॉफ होंगे या नहीं? क्या है ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्में जिनसे वो धमाल मचाने को तैयार है?
हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जुयाल। वॉर 2 को लेकर अक्सर आप सवाल पूछते हैं ये फिल्म कब आने वाली है, और साथ ही यशराज के जो 50वें प्रोजेक्ट होने वाला है उसको लेकर फिल्मी गलियारों में बहुत चर्चाएं हैं। किसी ने कहा कि YRF की 50वीं फिल्म टाइगर 3 होगी, तो किसी ने कहा धूम 4 होगी। और जब YRF 50 की चर्चाएं हो रही थी तो इन्हीं फिल्मों का नाम था, लेकिन पेंडेमिक के चलते सब कुछ बदल चुका है। और वॉर 2 जो फिल्म है, अभी तक इसका भी कंफर्म नहीं हो पाया है कि यशराज की 50वीं फिल्म ये फिल्म होगी या नहीं होगी। लेकिन मेकर्स की जब वॉर आई थी तभी से तैयारी थी कि वॉर 2 को वो जल्द से जल्द बनाएंगे। वहीं वॉर 2 के डायरेक्टर की बात करें तो सिद्धार्थ आनंद ही इसे डायरेक्ट करने वाले हैं। आपको बता दें, आदित्य चोपड़ा किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए अपने डायरेक्टर्स को रिपीट नहीं करते, लेकिन यहाँ पर एक रीज़न ये रहा सिद्धार्थ आनंद को फिर से एक बार रिपीट करने का, क्योंकि सिद्धार्थ आनंद कमाल की एक्शन फिल्में बनाते हैं। आपने वॉर देखी होगी, इस फिल्म ने सभी एक्शन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। इसके अलावा सिद्धार्थ आनंद ने बैंग बैंग जैसी फिल्म बनाई है जिसमें गजब का एक्शन देखने को मिला है। इसीलिए ये कारण हो सकता है कि आदित्य चोपड़ा पहली बार अपने फिल्म के डायरेक्टर को रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने टाइगर फ्रेंचाइजी में भी किसी को रिपीट नहीं किया। टाइगर का जो पहला पार्ट था, एक था टाइगर, उसे कबीर खान ने बनाया था। जो टाइगर का दूसरा पार्ट था, टाइगर जिंदा है, उसे अली अब्बास जफर ने बनाया था। और जब टाइगर 3 आने वाली है उसे कोई नया डायरेक्टर मनीष शर्मा डायरेक्ट करने वाले हैं। तो ये चीज़ें आदित्य चोपड़ा की खासियत रही है। वहीं धूम की सीरीज़ जो है उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ, धूम के सभी पार्ट्स को अलग अलग डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। तो ऐसा पहली बार होगा जब वॉर के जो सीक्वल है वॉर 2, उसके लिए आदित्य चोपड़ा अपना डायरेक्टर रिपीट करेंगे। वहीं आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ के लिए कहा जा रहा था कि इस फिल्म में हो भी सकते नहीं भी हो सकते, क्योंकि टाइगर श्रॉफ का जो किरदार है खालिद, वो तो फिल्म में मर चुका है। तो अंदाज़ा ये लगाया गया और ख़बरें भी आई कि वॉर 2 में टाइगर श्रॉफ नहीं होंगे और उनका रिप्लेसमेंट होगा विद्युत जामवाल। विद्युत जामवाल की बात करें तो वो कमाल का एक्शन करते हैं, उनकी कमांडो सीरीज देख लीजिए, कमाल का उनका एक्शन है। और अगर टाइगर श्रॉफ का कोई रिप्लेसमेंट है बॉलीवुड में तो विद्युत जामवाल ही है। वहीं बीच में खबरें आई थी कि सिद्धार्थ आनंद और शाहरुख खान एक फिल्म करने वाले हैं जो कि एक्शन फिल्म होने वाली है। तो कहा ये जा रहा था कि हो सकता है ये वॉर 2 हो, लेकिन ये वॉर 2 नहीं है। सिद्धार्थ आनंद और SR की एक फिल्म ज़रूर करने वाली है, ये एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है। सब कुछ डन हो चुका है, लेकिन ये भी कन्फर्म है कि ये फिल्म वॉर 2 नहीं है, क्योंकि वॉर 2 में ऋतिक रोशन ही नज़र आएंगे। लेकिन बात ये भी है कि वॉर 2 बाद में शूट की जाएगी, पहले SRK और सिद्धार्थ आनंद की फिल्म को पहले शूट किया जाएगा। यानी कि वॉर 2 को आप भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, समय लगेगा। पेंडेमिक के चलते ऑलरेडी ये लेट हो चुकी है। हाँ, भले इसके स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू किया जा चुका है, क्योंकि मेकर्स को भी पता है कि वॉर का सभी को इंतज़ार है इसके सीक्वल का। वहीं आपको बता दें, टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, विद्युत जामवाल बहुत सारी फिल्मों के साथ आपके सामने आने वाले हैं। टाइगर श्रॉफ की बात करें तो उनकी हीरोपंती 2 आने वाली है, जुड़वा 3 आने वाली है, रैम्बो जो कि बहुत बड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है वो आने वाली है। वहीं ऋतिक रोशन की बात करें तो क्रिश 4 के लिए उनका बहुत ज़्यादा बस बन गया है, और अगले साल जैन में उसकी शूटिंग भी शुरू कर देंगे और उसकी स्क्रिप्ट भी डन हो चुकी है। वहीं ऋतिक रोशन अपना OTT डेब्यू भी करने वाले हैं नाइट मैनेजर से, जो कि हॉलीवुड की बहुत बड़ी सीरीज रही है। अब इसका हिंदी रीमेक बनने जा रहा है बॉलीवुड में। वहीं विद्युत जामवाल की बात करें तो उनकी 11 रिलीज़ हो चुकी है, जिसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है OTT प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा जंगली और फिर खुदा हाफिज़, तो सभी की बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आने वाली है और सभी का जो बज़ है फिल्मों का वो बहुत तगड़ा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फिल्में हैं। फिर चाहे वो हीरोपंती 2 ले लीजिए, इसका पहले पार्ट से ही लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बज़ बना हुआ है। टाइगर श्रॉफ वॉर की अगली फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे? क्या वॉर फिल्म धूम और दबंग जैसी फ्रेंचाइजी फिल्म बन जाएगी? धूम, क्रिश या वॉर, ऋतिक की कौन सी फिल्म की फ्रेंचाइजी होगी सबसे हिट? बॉलीवुड में किस किस फिल्म की फ्रेंचाइजी बन चुकी है? नमस्कार दोस्तों, मैं पलक गुप्ता आपका स्वागत करती हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। इस वीडियो में इन सवालों के जवाब के साथ साथ कई और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जानकारी मिलेगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वॉर फिल्म के निर्देशक सिद्धांत आनंद को इस फिल्म से काफी उम्मीद थी। उन्होंने इस फिल्म के लिए काफी मेहनत की थी, जो कि सफल हुई।
और उनकी मेहनत का फल उन्हें मिला भी। फिल्म को अपार सफलता मिली और बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। सिद्धांत इस फिल्म को एक फ्रेंचाइजी में बदलना चाहते थे। वह इस फिल्म के लिए लोगों की प्रतिक्रिया के इंतजार में थे। उन्होंने यह सोचा था कि अगर उनकी यह फिल्म लोगों को पसंद आएगी तो वह इस फिल्म के आगे कई और भाग पर काम करेंगे। इस फिल्म के सक्सेस पार्टी पर निर्देशक ने इस बात की ओर इशारा किया था और पूछने पर यह कहा था कि अभी फिल्म के अगले भाग के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। एक बार फिल्म लोगों को पसंद आ जाए तब वह इस बारे में बात करेंगे। इस फिल्म ने इतना अच्छा काम किया कि जितनी इनको उम्मीदें भी नहीं थी। तो यह बात अब जाहिर है कि वॉर के बाद वॉर 2, वॉर 3 और वॉर 4, 5 भी ले सकते हैं। ये बातें पूरी तरीके से फिल्म मेकर्स पर निर्भर करती है। वह तो इसके बनने से की पुष्टि तो वॉर की सफलता से ही हो गई थी। टाइगर श्रॉफ ने भी अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इस ओर इशारा किया था कि पिछली फिल्म में उनके किरदार की मौत हो गई थी, इसलिए उन्होंने अगली फिल्म में वाणी कपूर और ऋतिक रोशन के बैकग्राउंड डांसर बनना चाहते हैं। इस फिल्म के सुपरहिट होने के बाद यशराज फिल्म ने इसे आगे ले जाने का फैसला किया। और अगर खबरों की माने तो फिल्म में सिर्फ ऋतिक रोशन को ही देखा जाएगा। इंडस्ट्री में ये बातें भी हो रही हैं कि अगर टाइगर के किरदार को वापस नहीं लाया गया तो वॉर की अगली फिल्म नहीं बनेगी। लेकिन प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा का कहना है कि वह वॉर को भी धूम के जैसे फ्रेंचाइजी में बदलना चाहते हैं और ऋतिक रोशन को मुख्य किरदार में रखना चाहते हैं। इसके साथ ही अभिनेता क्रिश फिल्म सीरीज का हिस्सा रहे हैं जिसमें हीरो एक ही होगा और नकारात्मक किरदार बदलते जाएंगे। फिल्म धूम की अगली कड़ी को फिल्म के निर्देशक विजय कृष्ण आचार्य के वजह से रुकी हुई थी क्योंकि वह दूसरे फिल्म में व्यस्त थे। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर वॉर फिल्म में ऋतिक और टाइगर नहीं होंगे तो लोगों के पास फिल्म में देखने को बचेगा ही क्या। फिल्म को बनाने से पहले मेकर्स इस बारे में सोचेंगे ही क्योंकि फिल्म में दोनों अभिनेता का किरदार मुख्य था। एक के बिना दूसरा अधूरा रहेगा और लोग उसे ज्यादा रुचि से नहीं देखना पसंद करेंगे, जिस वजह से हो सकता है कि फिल्म के अगले भाग को लोगों का इतना प्यार ना मिले जितना इस फिल्म को मिला। फिल्म के दूसरे तीसरे भाग को चलाने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी होगी और लोगों के लिए कुछ अलग और बेहतर लाना होगा जिससे लोग इसकी तरफ खींचे चले आए। बॉलीवुड में यह पहली बार नहीं है कि किसी फिल्म की फ्रेंचाइजी बनी हो। इससे पहले भी कई फिल्मों की बहुत सारे भाग लोगों को देखने मिले हैं। जब तक फिल्म एक भाग के दूसरे बाद भाग आता है तो वह सीक्वल होता है। लेकिन जैसे ही मेकर्स उसकी सीरीज बनाने का फैसला लेते हैं फिल्मों की फ्रेंचाइजी बन जाती है। जैसे कि धूम फिल्म आई थी, उसके बाद एक के बाद एक फिल्में आती गई जिसका नाम एक ही था और अलग अलग भाग कर और कहानी के साथ आता गया। और अभिषेक बच्चन की फिल्म के साथ बनी रही फिर रेस फिल्म की फ्रेंचाइजी बनी जिसमें 3 फिल्में आई। ट्रेंड को देखते हुए लगभग हर बड़े फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म की फ्रेंचाइजी बनाने लगे, जैसे कि हाउसफुल, हाउसफुल 2, हाउसफुल 3, हाउसफुल 4 बनी और अक्षय कुमार हर फिल्म का हिस्सा बने रहे। रोहित शेट्टी ने भी गोलमाल और सिंघम की फ्रेंचाइजी बना ली। पहले गोलमाल फन अनलिमिटेड, गोलमाल 2, गोलमाल 3 बनी और अभी गोलमाल 4 बनने की बात चल रही है। अजय देवगन के साथ उनकी फिल्म सिंघम के भी सफल होने के बाद उन्होंने सिंघम का अगला भाग सिंघम 2 बनाया, उसका तीसरा सिम्बा बनाया जिसने रणवीर सिंह और सारा अली खान नजर आए थे। इस फिल्म की सीरीज की चौथी फिल्म सूर्यवंशी रिलीज करने के लिए वह पूरी तरह से तैयार है जिसमें अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ नजर आएंगे। यह चारों फिल्मों में एक पुलिस वाले की कहानी होगी। इसके आधार मानकर रोहित शेट्टी ने सारी फिल्म बनाई। सलमान खान ने भी अपनी फिल्म दबंग फ्रेंचाइजी में बदल दी। पहली फिल्म के सुपरहिट होने के बाद दबंग 2, दबंग 3 फिल्म तीनों ही उतनी सफल रहे और फिल्म की अगली फिल्म दबंग 4 और 5 में काम करने के बारे में सोच रहे हैं। अब राजकुमार हिरानी भी अपनी फेमस फिल्म मुन्ना भाई MBBS के 2 भाग बनाने के बाद इसको तीसरे भाग पर काम कर रहे हैं और इस फिल्म को फ्रेंचाइजी बनाने का फैसला कर लिया है। बॉलीवुड में आते ही टाइगर ने भी बागी फिल्म की फ्रेंचाइजी को अपने नाम कर दिया। 90 के दशक की सबसे लोकप्रिय प्रेम कहानी आशिकी ने भी अपनी फ्रेंचाइजी बना ली और इसकी तीसरी फिल्म की मेकिंग भी हाल ही में शुरू की जाएगी। जब कभी कोई एक फिल्म सुपरहिट हो जाती है फिल्म मेकर्स और लोग दोनों ही इस फिल्म को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं और फिल्म के हर घड़ी को देखना पसंद करते हैं। यह सिर्फ एक इंडस्ट्री में नहीं होता बल्कि हर इंडस्ट्री में होता है। यह थी बॉलीवुड फिल्म की कुछ फिल्म सीरीज।
आप किस फिल्म सीरीज के नए भाग को देखना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। बात करेंगे कि फिल्म कब रिलीज होगी, फिल्म में विलन कौन होगा, आखिर क्यों ये फिल्म वॉर 2 ऋतिक रोशन की लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, YRF और बॉलीवुड के लिए सितंबर मंथ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीगार्ड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों, आज से बॉलीगार्ड स्टूडियोज और द फिल्मी उल्लू चैनल, जो कि मेरा खुद का चैनल है, दोनों ने कोलैबोरेट किया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल द फिल्मी उल्लू चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि आप लोगों को बॉलीवुड अपडेट सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, बॉलीवुड फिल्मों में जब दो मनचाहे एक्टर एक साथ पर्दे पर आते हैं, तो बॉलीवुड की वो फिल्में एक हिस्ट्री बनाती हैं, और वॉर फिल्म ऐसी ही एक फिल्म थी। हर कोई टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन को एक साथ देखना चाहता था कि बेटर कौन है, ऋतिक रोशन या फिर टाइगर श्रॉफ, क्योंकि दोनों माइंड ब्लोइंग डांसर हैं, साथ ही दोनों के एक्शन बॉलीवुड के लिए बेंचमार्क हैं। लेकिन इस फिल्म ने प्रूफ कर दिया कि दोनों इक्वल हैं। वॉर फिल्म के बाद इस फिल्म के सीक्वल की अनाउंसमेंट हुई, वॉर 2, जिसकी वजह से सस्पेंस बना हुआ है। दोस्तों, देखा जाए तो YRF इसी के लिए जानी जाती है, जो कोई और नहीं कर सकता उसे ये पूरा करने की ठान लेते हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को पहली बार साथ कौन लाया, YRF मोहब्बतें में, आमिर एंड अमिताभ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, उसके बाद ऋतिक और टाइगर। इन फिल्मों की खासियत थी कि अपने पहले दिन ओपनिंग डे पर फिल्मों ने ताबड़तोड़ कमाई की और हाईएस्ट ग्रॉसर की फिल्मों में शामिल हुई, जहां वॉर फिल्म का बजट था सिर्फ 170 करोड़, जिसमें सब कुछ शामिल था, प्रमोशन से लेकर एक्टर्स फीस। वहीं वॉर 2 के बजट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म का बजट होने वाला है 250 करोड़। दोस्तों, आने वाला सितंबर YRF और बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा मंथ है, क्योंकि इसमें YRF बॉलीवुड को चार बड़ी फिल्में एक के बाद एक देगा, जिसमें सबसे पहले है वॉर 2, आफ्टर दैट देखा जाए तो सलमान खान की एक फिल्म है, उसके बाद अक्षय कुमार की, और उसके बाद भी एक और बड़ी फिल्म है जिसके बारे में कोई अपडेट सामने नहीं आई है। ये बॉलीवुड की वो चार फिल्में हैं जिनको YRF प्रोड्यूस करने वाला है। दोस्तों, वॉर के मेकर्स चाहते हैं कि इसे जल्दी से जल्दी पर्दे पर उतारा जाए, और इसके हिसाब से उन्होंने सब कुछ प्लान कर लिया है। कास्ट की बात करें तो कास्ट में नजर आने वाले हैं ऋतिक रोशन, इनका फिल्म में होना कन्फर्म है, साथ ही साथ ये एक एजेंट के किरदार में नजर आएंगे। आफ्टर दैट रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ की भी एंट्री है। रिपोर्ट्स की माने तो वॉर के एंड में टाइगर नहीं मरते, और इस बार देश के लिए नहीं बल्कि टाइगर रिवेंज लेंगे अपने लिए ऋतिक रोशन से। खास बात तो ये है फिल्म की कि इस फिल्म में हमें एक साथ कई विलन्स देखने को मिलेंगे और उनके पीछे होंगे टाइगर। बेसिकली यहाँ प्लास्टिक सर्जरी का यूज करके टाइगर अलग अलग कैरेक्टर में नजर आएंगे। बेसिकली ये एक मल्टी स्टारर फिल्म होने वाली है। इस फिल्म को भी 2 अक्टूबर को ही रिलीज किया जाएगा, लेकिन 2021 में नहीं बल्कि 2022 में। दोस्तों, देखा जाए तो आने वाले समय में बॉलीवुड में बहुत सी ऐसी ऐसी फिल्में आने वाली है जो मच अवेटेड है, जैसे कि KGF 2, RRR, पुष्पा, प्रभास 20, पृथ्वीराज और भी बहुत सी। ये सभी बेहतरीन फिल्में एक के बाद एक रिलीज होंगी। इन्हीं बेहतरीन फिल्मों में शामिल है वॉर 2। दोस्तों, देखा जाए तो वॉर फिल्म ने 475 करोड़ का कलेक्शन किया था ओवरऑल वर्ल्ड में। वहीं इस फिल्म के सेकंड पार्ट से यानी कि सीक्वल में उम्मीदें डबल हो गई हैं। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म से 750 से 800 करोड़ की उम्मीद की गई है कलेक्शन के मामले में। आपको क्या लगता है कि ये फिल्म कितने करोड़ का कलेक्शन करेगी, और फिल्म में विलेन के तौर पर किसे होना चाहिए, क्योंकि विलेन काफी दमदार और धांसू होना चाहिए जो ऋतिक रोशन को टक्कर दे सके। टाइगर श्रॉफ वॉर 2 में किस गाने में ऋतिक रोशन के साथ थिरकना चाहते हैं? टाइगर श्रॉफ के गुरु कौन है डांस के, जिन्होंने उन्हें इतना बेहतरीन डांस सिखाया था? अब तक भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्में कौन सी है, और वॉर ने किन दो बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़कर रिस्क लिस्ट में जगह बना ली है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रेस स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जियाल। और दोस्तों, साल 2019 में फिल्म आई थी वॉर, और इतने धमाकेदार फिल्म थी और इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी, और तभी से लोगों को इंतजार है कि इसका सीक्वल जल्द से जल्द आए। और वॉर के मेकर्स ने भी इसका रिस्पॉन्स देखा और उन्हें लगा कि इस फिल्म का सीक्वल तो जल्द से जल्द आना चाहिए, और लॉकडाउन से पहले ही घोषणा हो चुकी थी कि हम जल्द से जल्द इसके सीक्वल पर काम करने वाले हैं।
तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है इस फिल्म की शूटिंग शुरू की जाएगी और अगले साल तक ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या फिर से वॉर 2 में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर को ही कास्ट किया जाएगा। तो एक लाइव शो के दौरान, लाइव चैट के दौरान वाणी कपूर और टाइगर श्रॉफ से बातें की गई इस फिल्म के बारे में, और वाणी से पूछा गया कि टाइगर के साथ इस फिल्म में काम कर आपको कैसा लगा। तो वाणी ने ये तुरंत सवाल टाइगर की तरफ पास कर लिया और टाइगर से पूछ डाला कि आपको मेरे साथ काम करके कैसा लगा। तो टाइगर ने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि वॉर 2 में हम दोनों फिर से कास्ट हों और मैं आप दोनों के साथ, यानी ऋतिक और वाणी के साथ, जो घुंघरू टूट गए सॉन्ग था उसके 2.0 में डांस करना चाहता हूं, एज अ बैकग्राउंड डांसर ही सही लेकिन इस गाने में डांस करना चाहता हूं। और दोस्तों, जो ये घुंघरू टूट गए सॉन्ग था वो बहुत ज्यादा हिट सॉन्ग रहा और अब तक इसे 228 मिलियन व्यूज भी मिल चुके हैं, यानी सुपर हिट सॉन्ग ये रहा। और इसका जो अगला पार्ट बनता है, अगर 2.0 बनता है, तो उसमें टाइगर को डांस करते देख बहुत मजा आएगा। तो ये तो जरूर होना चाहिए और टाइगर श्रॉफ को ही वॉर 2 में कास्ट किया जाना चाहिए। और मेकर्स की तरफ से भी यही इशारा है कि वॉर 2 में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ ही नजर आएंगे। टाइगर श्रॉफ की बात करें तो एक्शन तो धमाकेदार करते ही हैं, लेकिन उनका डांस बहुत गजब होता है और बहुत अलग ही डांस करते हैं। उनके जो इंस्पिरेशन है वो MJ यानी माइकल जैक्सन है और उनकी तरज पर वो डांस किया करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइगर को डांस किसने सिखाया? नहीं जानते होंगे ना, मैं आपको बता देती हूँ। सौरभ भारद्वाज उनका नाम है और वो कहते हैं कि वो इंडियन आर्मी में सलाहकार भी रह चुके हैं और उन्होंने ही टाइगर को डांस सिखाया है। और टाइगर ने जब टीचर्स डे था तो एक सॉन्ग डेडिकेट किया था, एक डांस डेडिकेट किया था अपने टीचर के लिए। साथ ही MJ को भी उन्होंने ये डेडिकेशन दी थी और MJ के गाने और अपनी फिल्म हीरोपंती के गाने को मिक्स करके उन्होंने एक टाइटल बनाया और उसमें डांस भी किया था। और उन्होंने कहा कि हीरोपंती में उनके डांस को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था और इसका पूरा श्रेय वो अपने गुरु सौरभ भारद्वाज को देना चाहते हैं। और शौर्य ने ही उन्हें डांस सिखाया। साथ ही शौर्य बहुत सारी फिल्मों में एक्शन सिखाते हैं सबको और साथ ही डांस की कोरियोग्राफी भी करते हैं। चले दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टॉप 10 हिंदी फिल्मों की जिन्होंने अब तक की सबसे ज्यादा कमाई की है, और इस लिस्ट में वॉर का नाम भी शामिल है जिसने दो बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़कर रख दिया है। तो फ्रेंड्स, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम बाहुबली 2 का है जिसने 1008 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन किया और सभी फिल्मों को पीछे छोड़ा। और साथ ही लोगों के बीच बहुत ज्यादा चर्चित ये फिल्म रही, टीवी सैटेलाइट बहुत तगड़े इसके राइट्स बिके थे और टीवी में जब भी आती है लोग उसी जोश के साथ देखते हैं। और इसकी अगली सीरीज यानी बाहुबली 3 का भी लोगों को बेसब्री से इंतजार है और इसमें प्रभास नजर आए थे। दूसरे नंबर पर है इस लिस्ट में आमिर खान की दंगल और इसने भी 716 करोड़ की कमाई की और दूसरे नंबर पर अपना स्थान बनाया। तीसरे नंबर पर है संजू जिसमें रणबीर कपूर नजर आए और संजय दत्त की ये बायोपिक थी। संजू का जो रोल किया था रणबीर कपूर ने इतना बेहतरीन किया था कि फिल्म में पता ही नहीं लग रहा था कि ये रणबीर है या संजय दत्त, मतलब हूबहू संजय दत्त की तरह एक्टिंग की और उनका पूरा स्टाइल उन्होंने अडॉप्ट किया जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे संजय दत्त ही लग रहे थे। इस लिस्ट में चौथा नाम PK का है और पांचवा नाम है टाइगर जिंदा है जिसमें सलमान खान नजर आए और अब टाइगर 3 का भी लोगों को इंतजार है। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में छठे नंबर पर है सलमान भाईजान की बजरंगी भाईजान और इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन किया और ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई थी। साथ ही जो मुन्नी का कैरेक्टर था लोगों को बहुत ज्यादा दिलों को छुआ था और ये छठे नंबर पर है इस लिस्ट में। इसके बाद अगला नंबर है पद्मावत का जिसमें दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह साथ ही शाहिद कपूर भी नजर आए थे और इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। पहले ये बहुत ज़्यादा विवादों में घिरी रही लेकिन जब रिलीज हुई तो ताबड़तोड़ कमाई की। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम फिर से भाईजान की ही फिल्म का है, सुल्तान का नंबर है, सातवां नंबर है सुल्तान का और सुल्तान भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन इस फिल्म ने किया और लोगों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आई थी। और अगला नाम इस लिस्ट में है धूम 3 का जिसमें आमिर खान नजर आए थे और धूम 3 ने भी अपनी बाकी सीरीज से अच्छा ही कलेक्शन किया और ये फिल्म भी लोगों को बहुत पसंद आई। अब धूम 4 का सभी को इंतजार है और कहा जा रहा है कि इसमें अक्षय कुमार नजर आ सकते हैं
साथ ही शाहरुख के नाम पर भी गेसेस लगाए जा रहे हैं और इन दोनों में से ही कोई धूम 4 में होना हो सकता है। आपको क्या लगता है, आप किसे चाहते हैं वो भी बताइएगा। और इस लिस्ट में अगला यानी टॉप 10 दसवां नंबर जो है वो वॉर का ही है और वॉर ने 475 करोड़ की कमाई की और टॉप 10 की लिस्ट में आने के लिए दो बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। इस फिल्म ने कबीर सिंह और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को पीछे छोड़ा। ये दोनों फिल्में भी साल 2019 में ही रिलीज हुई थी। कबीर सिंह की बात करें तो आप सभी जानते हैं, अलग ही इसका धमाल था और शाहिद कपूर जो अब तक अंडररेटेड हीरो माने जाते थे उनको उनकी रियल पोजिशन इस फिल्म से ही मिली और इसमें प्रीति और कबीर सिंह जो कैरेक्टर दिखाए गए थे वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। थोड़ी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल ये फिल्म ज़रूर रही लेकिन सुपर हिट रही और इसने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया, 275 करोड़ का कलेक्शन किया था। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में 12वें नंबर पर है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और इसका एक डायलॉग हाउस द जोश, ये तो आपको याद ही होगा, पूरे इंडिया में इसका ही भपका था और हर जगह यही डायलॉग गूंजता था। तो ये फिल्म भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और विकी कौशल इस फिल्म में नज़र आए थे और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। तब से उन्हें और भी ज़्यादा फिल्में मिलने लगी। संजू में भी विकी नज़र आए थे और आजकल तो विकी की कटरीना कैफ से भी अफेयर की खबरें हैं। तो फ्रेंड्स, ये तमाम फिल्में थी टॉप 12 फिल्में जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और आपको इन फिल्मों में से सबसे ज़्यादा अच्छी फिल्म कौन सी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा और साथ ही किस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं, कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं ये भी बताइए और साथ ही बताइए कि वॉर 2 का आपको कितना इंतज़ार है नीचे कॉमेंट सेक्शन में। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।